वेलकम टू सिलेक्शन IQ। भगत सिंह एक ऐसा नाम जिन्होंने अंग्रेजों को भी हिला डाला था। भगत सिंह जिनकी फांसी के बाद पूरा देश उबल उठा था और अंग्रेजों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। भगत सिंह जो जब तक दुनिया में थे अंग्रेजों के लिए खतरनाक थे और शहीद होने के बाद और ज्यादा भारतीयों के अंदर चेतना का जागरण करने वाले बन चुके थे। आज उन्हीं शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। यह स्थान अब पाकिस्तान का हिस्सा है। हर भारतीय की तरह भगत सिंह का परिवार भी आज़ादी का पैरोकार था। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वान सिंह भी आज़ादी के मतवाले थे और करतार सिंह सराभा के नेतृत्व में गदर पार्टी के सदस्य थे। अपने घर में क्रांतिकारियों की मौजूदगी से भगत सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों का असर था कि वे बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करने लगे। 14 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए, जिसके बाद भगत सिंह के पोस्टर गांवों में छपने लगे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह पर अमिट छाप छोड़ा। भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और 1920 में महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन में गांधी जी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे, लेकिन जब 1921 में हुए चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने हिंसा में शामिल सत्याग्रहियों का साथ नहीं दिया। इस घटना के बाद भगत सिंह का गांधी जी से मतभेद हो गया। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बने गदर दल में शामिल हो गए। 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने को लूटने की घटना में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। यह घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से मशहूर है। इसमें उनके साथ रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती घटना को यूपी की योगी सरकार ने अब काकोरी एक्शन नाम दिया है। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इस घटना को अंजाम देने में चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी मदद की। अंग्रेजों की सरकार को नींद से जगाने के लिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के सभागार में बम और पर्चे फेंके थे। इस घटना में भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे और यह जगह अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली का सभागार थी। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भगत सिंह आज़ादी के मतवाले ही नहीं थे, भगत सिंह एक अच्छे वक्ता, पाठक, लेखक और पत्रकार भी थे। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला और आयरिश भाषा के बड़े विद्वान थे। उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में आयरलैंड, फ्रांस और रूस की क्रांति के बारे में गहरा अध्ययन कर लिया था। भगत सिंह को भारत में समाजवाद का पहला प्रवक्ता माना जाता है। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। सो यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट सिलेक्शन IQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।